आज ये जो मोट मोट सिकड़ी वाले लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और भ्रष्ट जो ब्यूरोक्रेट्स उनके सलाहकार बने हुए हैं, कोई नहीं था। इसलिए उनका ऑरा ख़त्म हो गया है, उनका टाइम ख़त्म हो गया है। पहले एक जो हम लोगों ने उनका ऑरा बनाया था, उसके अनुसार वो काम किए नहीं। मैं समझता हूँ कि बिहार के लोगों के लिए बेहतर एक व्यवस्था चाहिए, बिहार के लोगों के लिए एक बेहतर सरकार चाहिए। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में जो लगातार हलचल चल रही हैं, सियासी हलचल चल रही हैं, इसी बीच कुछ ऐसी खबरें भी घूमकर आ रही हैं जो आपको चौंकाने वाली होंगी। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश विरोधी गुट का महाजुटान होने वाला है। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया था। हम वहीं आज मौजूद है जो नीतीश विरोधी गुट में शामिल हैं। हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या ऐसी मजबूरी हुई कि इनको नीतीश विरोधी गुट में शामिल होना पड़ा। सर, हमारा पहला सवाल यही है कि नीतीश विरोधी गुट में आप शामिल हो रहे हैं तो आपको डर नहीं लगता है? पहला तो मैं नीतीश कुमार का विरोधी नहीं हूँ। नीतीश कुमार के अराजक कार्यों का, उनके कुकृत्यों का, उनके गलत नीतियों का मैं विरोधी हूँ, इसलिए कि इस सरकार को बनाने में 1% मेरा योगदान रहा है। ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि जिस समय नीतीश कुमार के साथ गिने चुने लोग थे, आज ये जो मोट मोट सिकड़ी वाले लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और भ्रष्ट जो ब्यूरोक्रेट्स उनके सलाहकार बने हुए हैं, कोई नहीं था, निहंग थे। और उन दिन हम साथ थे। तो आज बिहार में जो अराजकता है, जिस दिन वो कोई लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक करते हैं तो उसी दिन बैंक की डकैती होती है, रेप होता है, मर्डर होता है, अपराधी सर चढ़ करके बोलने लगते हैं। यानी उनकी हर चीज़ों को अब लोग चुनौती के रूप में लेता है, चाहे वो अपराधी हो, ब्लैक मार्केटियर हो, दारू बेचने वाला हो, बालू चलाने वाला हो। इसलिए उनका ऑरा ख़त्म हो गया है, उनका टाइम ख़त्म हो गया है। पहले एक जो हम लोगों ने उनका ऑरा बनाया था, उसके अनुसार वो काम किए नहीं। तो हम उनके विरोधी नहीं हैं। वो 200 साल जिए, किताब पढ़ें, किताब लिखें, अब उनके बस का चीज़ नहीं है बिहार को बचाना। बिहार को गर्त में मिटा दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य दो बुनियादी आवश्यकता है। जो पहले से चला रहा था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के ज़माने से हाल के दिनों तक, ये 30 वर्षों में निश्चित तौर से उन्होंने जो अराजकता पैदा की है, इस अराजकता के लिए हमें खेद है और मैं समझता हूँ कि इस पाप के लिए मैं भी भागीदार हूँ। सर, आपके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जो आपके कई वर्षों तक साथ थे और वो भी नीतीश कुमार को बोला करते थे कि ये एक ऐसा नाला है जिसमें जो जाएगा वो गंदा हो जाएगा। अब खुद वही गंदे नाला में उन्होंने डुबकी लगा ली है। आप खुद ही कह रहे हैं कि डुबकी लगा ली है। जब डुबकी में उनको आनंद आ रहा है, इसका मतलब कि वो इन चीज़ों को आप पसंद कर रहे हैं। आपके भी साथी रहे हैं सर। वो हमारे साथी तो नीतीश कुमार भी रहे हैं। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि सामने बच्चे हैं? सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आपके साथ वो रहे और बाद में जाकर नीतीश कुमार के साथ चले गए, उनको फायदा भी हुआ, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी उनके साथ जाना चाहिए? फायदा घाटा की राजनीति नहीं करते हैं हम, जमीर की राजनीति करते हैं हम, स्वाभिमान की राजनीति करते हैं। हमें अपने राजनीतिक धर्म की रक्षा के लिए जो करना पड़ता है उसकी राजनीति करते हैं। मैं समझता हूँ कि बिहार के लोगों के लिए बेहतर एक व्यवस्था चाहिए, बिहार के लोगों के लिए एक बेहतर सरकार चाहिए, प्रबंधन चाहिए, कानून व्यवस्था वाला, कानून का राज का नाटक करने वाला नहीं। तो इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। कौन साथ है कौन नहीं है इसकी चिंता मैं नहीं करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।